Hello everyone, this is Shruti Jain. I welcome you all to the channel An Academy Kota Diaries. As you all know, आज 27 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 में JEE 2024 एग्जाम हो चुका है एंड इसी का रिव्यू लेने आज हम यहाँ आ गए हैं. तो देखते हैं कि आज बच्चे क्या कहना चाहते हैं, कैसा उनका एग्जाम रहा, कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा टफ था या टाइम कंज्यूमिंग रहा एंड कैसी उनकी प्रिपरेशन थी एंड हाउ वॉज योर देयर टोटल एक्सपीरियंस. सो लेट्स सी, जानते हैं उनसे एंड देखते हैं कि कैसा रहा आज का एग्जाम. ईजी तो नहीं बोलेंगे लेकिन कट ऑफ जाएगा हाई, थोड़ा थोड़ा मतलब टफ है. हाँ, थोड़ा. अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच. सो कैन यू टेल अस कि कैसा एग्जाम था आपका? जेई का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना सोच कर गए थे. क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था. ज़्यादा मतलब डीप ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं थे. फार्मूला बेसिक हो तो ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे. फिजिक्स के क्वेश्चन मुझे इजी लगे और केमिस्ट्री के जो सेक्शन टू थे उसमें 5 क्वेश्चन हो गए. मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगे. तो क्या लगता है कितना स्कोर कर लोगे लगभग? मेरे को लगता है 140-150 के पास रहेगा. अच्छा, ओके. सो कैन यू टेल अस कि हाउ वाज योर जेईई एग्जाम अभी राइट नाउ? मैम, इट वाज वेरी गुड. मुझे फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगा था बट केमिस्ट्री बहुत आसान थी. मतलब जितनी प्रिपरेशन थी उसके अकॉर्डिंग पेपर वॉज फाइन. यस मैम, आसान था. मतलब थोड़े से मतलब मैथ्स को थोड़ा लेंथी आया था लेकिन मतलब ठीक था. कोऑर्डिनेट के 3 मतलब कोऑर्डिनेट से थोड़े 5-6 क्वेश्चन आए थे तो वो भी ठीक ही था. और कैलकुलस भी था बट इंटीजर का थोड़ा सा अलग टाइप आया था तो समझ नहीं पाए थे. अच्छा, तो वाज इट लाइक मतलब इजीली अटेम्प्ट हो गया था या टाइम लग रहा था, लेंथी था? नहीं नहीं, इजी था. टाइम मतलब 2 hours and 30-40 minutes में जितने आते थे तो हो गया. उतने में आपका पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो गया था पूरा. ओके, एनीथिंग यू वांट टू से कितना स्कोर कर लोगे या फिर स्कोर? मतलब 150-60. एग्जाम का लेवल जो है काफ़ी इजी था. काफ़ी क्वेश्चन हार्ड भी थे, काफ़ी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे. मैथ्स में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैक्सिमम सेक्शन 7 क्वेश्चन थे मैथ कोऑर्डिनेट से. और तुम्हारे जो होता है कैलकुलस उससे 3-4 क्वेश्चन थे. लेवल इजी था. फिजिक्स भी क्वेश्चन बन रहे थे सारे. एक्सपीरियंस भी वैसे काफ़ी सही रहा यहाँ का स्टाफ का. तो ये आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था अभी? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट था, ओके. तो मतलब यू कैन से कि मतलब पेपर वाज इजी. फर्स्ट मतलब करा जा सकता था. मैक्सिमम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे इजी से. ओके ओके. एंड ऐसे कोई जगह जहां पे सबसे ज्यादा टकना पड़ा? हाउ अबाउट केमिस्ट्री? नहीं, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक था तो मुझे मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती. बाकी सारा कुछ इजी था. केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छे से करके गए तो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए थे. ओके, सो योर एक्सपीरियंस वाज रियली गुड. ओके, क्या क्या लगता है कितना स्कोर कर लोगे? 150 प्लस आना चाहिए. ओके, सो कैन यू टेल अस कि कैसा एग्जाम रहा आपका? एग्जाम तो बहुत ही अच्छा रहा. मतलब एग्जाम जैसा एक्सपेक्टेड था, टफ आएगा वो सारी एक्सपेक्टेशन पे पानी गिर गया. बहुत इजी आया एग्जाम. और अगर किसी ने मतलब मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं तो उसको मतलब बहुत इजी पड़ा होगा, इतना भी टफ नहीं था. जैसे कि अगर आप एग्जाम मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपेरिजिवली बहुत इजी आया था. मैथ्स का लेवल थोड़ा मॉडरेट था. अगर किसी ने 15-15 मतलब 15-18 क्वेश्चन सब में इजी भी थे. अगर उन्होंने किसी ने इजी क्वेश्चन को टैकल करके भी किया होगा तो उसका 99% इजी आ सकता आ जाएगा. सो यू मीन टू से कि अगर प्रिपरेशन ठीक रही होगी तो मतलब इजी था एग्जाम? इजीली क्वेश्चंस बन रहे थे सारे? हां हां, इजी का. ओके, एंड कुछ टाइम कंज्यूमिंग लगा? नहीं नहीं नहीं. ओके, सो यू वर फाइन. मतलब आपको क्या लगता है आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? एक्सपेक्टेड मार्क्स? एक्सपेक्टेड 150 प्लस है. 150 प्लस है, ओके. तो हाउ वाज द एग्जाम, क्या बोलना चाहोगे अभी जो आपका एग्जाम हुआ जी 2024? फिजिक्स आसान थी सबसे पहला तो ये. केमिस्ट्री ठीक थी. मैथ्स थोड़ी सोचने वाली थी, टाइम देना चाहिए था. मतलब ऐसे नहीं थे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट समझ में आ जाए, थोड़ा सा टाइम लगता हर क्वेश्चन में. मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छी थी.
अच्छा, तो मैथ्स सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग, हाँ ठीक है, जिसके लिए अब आते हैं, पहला तरीका ही आता है डायरेक्टली, वो तो कर सकता था। कैलकुलेशन फास्ट और ये, जिसके लिए फिर सोचना पड़ा, टाइम लग गया कुछ क्वेश्चनों में। जैसे कि अब दो क्वेश्चन तो उससे आए थे, वो अपना 3D से आए थे। अच्छा, दो क्वेश्चन तो ऐसे फिर आए थे, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक से आए थे, लेकिन दो तो 3D से आए थे। सबसे इजी वाला फिजिक्स लगा, फिजिक्स आसान था, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स से ज्यादा आए थे। ओके, और फिर लेकिन उम्मीद तो यही है 130 प्लस तो आई जाएगा। नेगेटिव मार्किंग लग रही है? नहीं नहीं, यू आर श्योर? अच्छा लग रहा है, मतलब पेपर अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ना, जैसे मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक दिए हैं तो उसमें हो ही जाते हैं, ना करते हुए भी 2 से 3 तो हो ही जाते हैं डिडक्ट, तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि फिर बाद में आपका कोई देखेगा और मेरे परिवार वाले फिर मुझे बोलने लग जाए। तो नो वरीज, लेट्स सी व्हाट इज योर रिजल्ट, एंड उम्मीद है आ जाएंगे। होप यू आर doing best, so all the best, wish you all the best. Thank you so much. Hey guys, so I have one of our chemistry educator at an academy center Kota, that is Evan sir. So sir, aap bata dijiye ki je exam aapne question paper dekh liya sir, sir kaisa raha? Aaj mam jaise maine paper ka review liya student se, ha to review mein jaise student ye bol rahe the ki IOC portion se kaafi question aaye hain, jaise PC portion ki baat kare, OC portion ki baat kare, organic chemistry and physical chemistry, iske comparison mein inorganic chemistry kaafi easy tha। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कोऑर्डिनेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, डी ब्लॉक से डी और एफ दोनों मिला के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मतलब सिंपल जो टॉपिक्स थे उनको टारगेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। और वैसे भी अपन जैसे सोचते हैं कि पहला ये अटेम्प्ट है तो ये इजी होता है, तो जनरली इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आईयूसी की बात करें वैसे इजी होता है, और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी इजी थे। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चों को जैसे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अभी बता रहे हैं तो याद थोड़ा कम रहता है, तो उसमें जैसे इन्होंने बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी उन टॉपिकों को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कंपैरेटिवली इजी है। सो यू मीन टू से पेपर ओवरऑल इजी रहा? पेपर का मीडियम देखिए, आज फर्स्ट पेपर था, इसका फर्स्ट शिफ्ट था, तो पेपर का जैसे रिव्यू बता रहे थे बच्चे तो काफी इजी बता रहे हैं कि पेपर काफी इजी आया। तीनों पोर्शन की बात करें तो जैसे मैथमेटिक्स टफ रहता है, लेकिन उसको लेके भी बच्चे ये बोल रहे थे कि इजी है पेपर। ओके, सो फर्स्ट शिफ्ट में तो बच्चों का कहना है कि इट वाज इजी, नाउ लेट्स सी सर आज सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होता है उसमें कैसे, सेकंड शिफ्ट में देखते हैं कि कैसा पेपर आज आता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, एज वी ऑल सी राइट नाउ कि क्या स्टूडेंट्स का कहना है, कैसा उनका एग्जाम रहा। फिजिक्स वॉज यू नो बेसिकली ईजी, जैसा मैंने सबसे सुना अभी जैसे बता रहे हैं बच्चे, एंड इसके अलावा उनको किस में का टाइम कंज्यूमिंग था और क्या रहा, तो इट वॉज ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, अच्छा था एक्सपीरियंस, ऐसा बच्चों का कहना है। पेपर जो था ईजी था, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड अगर वो आप जे एस्पिरेंट है जिसने आज एग्जाम दिया है, तो डू लेट अस नो कि व्हाट वॉज योर एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट बॉक्स, और आपको क्या लगता है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए एंड देखिए कि कैसा क्वेश्चन था, कैसे क्वेश्चन पेपर था, क्या ऐसा एग्जाम रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अन अकेडमी कोटा डायरीज फॉर मोर सच कंटेंट, एंड वी विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस वेरी सून। टिल देन लेट्स क्रैक इट।